गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रिंकी राव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने मम्मी के घर से। तो अपने घर से तो गाइज शाम के बज गया है 6, शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। अब इतनी तेज़ धूप लगी थी, अब थोड़ी धूप हल्की हुई है, तो सोचा है कि आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि कल सुबह चली जाऊँगी तो शायद से कल नया ब्लॉग आएगा। वैसे भी नया ही आ रहा है गाइस, मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू हो रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो मैं आज का बनाया हुआ कल ही डालती हूँ वैसे भी। तो गाइस आज भी चलते हैं गांव की तरफ, गांव में कोई भी मिल जाएगा तो हमारे गांव से, मतलब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो उन्होंने बोला है गांव में जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे सबका वीडियो बनाना सबका। तो सोच ही रही हूँ कि थोड़ा सा गांव की तरफ जाऊँ, कोई मिल जाएगा तो ठीक है। और गाइस मैंने अपने आप अभी आप सबको अपनी मम्मी का घर भी बना, अपना घर नहीं दिखाया है तो दिखाती हूँ। और आज मैं आपको बहुत पुराना, जो हमारे गांव में एक घर है, घर तो वैसे पुराने हैं लेकिन लोगों ने नए उसमें कर दिए हैं आज के ज़माने की तरह, मतलब तरह से बना दिए हैं। तो एक घर हमारे यहाँ पे ऐसा भी है जो बहुत ही पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का है। तो आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो चलें पहले मम्मी का घर मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारा अपना घर है। तो थोड़ा सा मैं उसका भी तुम्हें मतलब बता दूँ सबको कि कैसा है करके। तो फिर उसके बाद मैं आपको सबसे पुराना घर दिखाऊँगी, तो आप लोगों को कैसा लगेगा तो बने रहिए मेरे साथ। गाइस ये शाम का 6 बजे का व्यू है, अभी धूप देख लो पूरे डांड पे धूप आई हुई है। अच्छा लग रहा है ना मेरे घर से, मेरे गांव से कितना सुंदर भी लगता है। हमारे गांव में जो भी आता है, मतलब रौनक वाला इतना सुंदर गांव है, जो यहां आता है मतलब इसका जाने का मन नहीं करता है, वो यहीं का होके रह जाता है। तो वैसे मैंने आप लोगों का पहले भी दिखाया था, तो ये थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। पहले मम्मी का घर दिखा लेती हूँ ना, अपना घर दिखा देती हूँ। मम्मी के कितने कमरे हैं ये दिखा देती हूँ, हमारा घर कितना बड़ा है ये दिखाती हूँ। तो गाइस ये रहा हाँ हमारा डंडल, डंडल बोलते हैं, बरांडा जैसा है ये, तो इसको हमारे गढ़वाली भाषा में डंडल बोलते हैं। और एक कमरा ये रहा, ये हमारा पूजा का कमरा है, यहाँ देवी देवता रहते हैं। और ये हमारा डंडल है, मेरी मम्मी रात को यहाँ पे सोती है, उनका बिस्तर यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि हवा के कारण अंदर उनको गर्मी लगती है। और ये मेरे भैया भाभी का कमरा है, और ये मेरी मम्मी का कमरा है। और मेरी मम्मी यहाँ पे सोती नहीं है क्योंकि मम्मी को गर्मी लगती है और पंखे की हवा में नहीं सो पाती है मम्मी, तो मम्मी यहाँ पे सोती है बाहर ही। और गैस मैं अब नीचे का दिख, तो गैस ये हमारा किचन वाला, अंदर वाले किचन का लेंटर है, छत है, और ये हमारा घर का है। और ये हमारा चौक है, मेरी मम्मी ने कितना अच्छे से इसको मिट्टी से लीप रखा है, बहुत सुंदर तरीके से बना रखा है। और ये देखो ये गुलाब का पौधा मैंने लगाया था, बहुत पुराना गुलाब का पौधा है, कितने सुंदर फूल आए हैं। तो गाइस ये हमारे घर का नीचे का, ऊपर का सेट दिखा दिया, अब नीचे का दिखा रही हूँ। तो ये नीचे का है ये वाला, यहाँ अंधेरा अंधेरा भी रहता है और मैं लाइट जला लूँ। तो ये भी ऐसे ही पुराने ज़माने का है, ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, पहले अंदर ही अंदर से सीढ़ियाँ आती थी, मेरी मम्मी ने लासन उसन लगा रखा है। एक रूम ये रहा, गाइस यहाँ अंधेरा होगा मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे डर भी लगता है। तो एक रूम ये रहा, पुराने ज़माने के कमरे कैसे होते हैं। और एक रूम ये रहा हमारा, तो गाइस अगर लाइट होगी तो मैं ये वाला रूम दिखाती हूँ, ये वाला, ये मेरी मम्मी का स्टोर रूम है, यहाँ पे पूरा स्टोर बनाया हुआ है, तो स्टोर रूम है ये। तो लॉक कर देते हैं, गाइस ये भी खुलेगा तो मुझे तो डर भी लगता, मुझे डर लगता है कि अंधेरा है। तो एक मिनट हाँ लाइट जला लूँ, पहले लाइट जला के ही कमरे का दिखाती हूँ। तो गाइस पहले हम इतने भाई बहन थे तो सबके लिए जगह भी नहीं होती, यहाँ मेरी मम्मी ने लकड़ी रखी हुई है, लाइट जल जा रही है, यहाँ लकड़ी रखी हुई है। और ये कमरा ये रहा, तो गाइस ये पुराने ज़माने का कमरा है और बहुत ठंडा है। पहले गर्मियों में, पहले ज़माने में गर्मियों में हम नीचे ही सोते थे और फिर अब हम ऊपर सोते हैं। तो पहले जैसे गर्मी होती थी तो नीचे और ठंड होती तो ऊपर। और गाइस ये वाला कमरा मैं आपको दिखाऊँ तो दिखाऊँ कैसे, ये लाइट होगी कि नहीं होगी, दिखाई लेती हूँ ना। ये पुराने ज़माने के इतने छोटे छोटे कमरे देखना, पुराने ज़माने के कमरे हैं और यहाँ कोई रहता भी नहीं,
डर भी लग रहा है, चूहों ने देखो मिट्टी भी निकाल रखी है, कोई रहता ही नहीं है। खुफिया कमरे, लाइट है यहाँ? यहाँ लाइट ही नहीं है, तो गाइस अंधेरा सा हो रखा है। तो एक खुफिया कमरा ये भी है, पहले हमारे इतने सारे कमरे थे, जगह नहीं होती थी, अब यहाँ चूहे ही रहते हैं। भैया भाभी लोग बाहर ही रहते हैं, मम्मी घर में अकेले रहती हैं। तो मम्मी दरवाज़ा, ये रहा हमारा अंदर वाला किचन, और यहाँ गैस भी है मम्मी का। अंधेरा सा रखा है, लाइट चली गई है तो नहीं दिख रहा है। यार वो लकड़ी वाला किचन भी है और गैस भी रखा हुआ है। तो गैस ये रहा हमारा घर, ये और ये, यहाँ से गांव का नजर। ये हमारी चाची, चाची हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। अब कुछ मैंने बता नहीं पहचान, ये छोटा के मस्त है बीच। अच्छा नमस्ते, नमस्ते, बैठ जा। हाँ सूर्य ना चढ़ना पसंद है कुछ ना। हाँ ये और मछली, संजय बोले चाहे बैठ जा, बैठ ही चाहे। हाँ चाचे, अच्छा क्या को क्या फोन करें? हाय, हाय गाइस, गाय चाचा और हमारी भतीजी हमारा ब्लॉग देख रही है। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? गाइस ये गाय के लिए दूसरे गांव से आए हैं, हमारे गांव के नीचे जो गांव है वहां से आए हैं घास ले जाने के लिए, और ये ले जा रहे हैं गाय के लिए घास, सूखा घास। ओ और तुम्हारे से हाय हाय, आजा आजा, क्या कहा नीचे मौसी ब्लॉग बनाने। तो ये हमारी चाची का घर है। तो गाइस ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना, तो देख लो इसकी बनावट। चाची अंग्रेजों के टाइम जी ना, हाँ सबसे पुराना हमारे गांव में यही है, और बहुत ही अच्छा भी है। इसकी लकड़ी देखो, लकड़ी से बना हुआ है, और इस पर कुछ लिखा भी था यार चाची, है ना? तो गाइस इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, तो हमें तो अभी इतना समझ में आता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, मतलब कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, अलग से ही लिखा हुआ है। और ये हमारे गांव में सबसे पुराना है, सबसे ज़्यादा पुराना, मतलब सबसे पुराना यही है, पहले से भी पहले ज़माने का, और बहुत ही अच्छा भी है, इसकी बनावट बहुत ही सुंदर है। तो गाइस इसका बनावट ऐसी रही, इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, और ये बहुत ही पुराना भी है और बहुत ही सुंदर भी है। तो डिज़ाइन भी अलग से दे रखा है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी है, और ऐसे ये हमारे गांव का सबसे पुराना है और बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल भी है। तो गाइस ये हमारे गांव के पानी की टंकी है, मछली स्विमिंग पूल बना है, मछली पालन ना, मछली पालन। अच्छा अब पानी का कहाँ जा दो, मत भरे नाला। अच्छा तो गाइस ये स्विमिंग पूल बना रखा है, कल अगर हमें जैसे जाएंगे तो मैं आपको पास से दिखाऊंगी। और ये हमारे गांव की पुरानी टंकी है, अब कौन भर रहा है यहाँ पे पानी, अब तो नल। ये देखो ताला लगा है बाजी, हेलो हाय कुछ तो कर रहा हूँ मैं, तो मैं फोटो कल ना वीडियो बना। हेलो हाय, हेलो हाय, आप गाँव को बनाना छो वहाँ में वीडियो वे तो ऑटो लग गया थी। हाँ आइयो भाई भी आई हूँ, ये नाम जवाल, क्या नाम क्या है सानू, ये मक्का बो रखा है, और दी नमस्ते, ये मक्का बो रखा है देख लो है। हाँ वही तो मैं, हाँ ये दी तो मैंने बोया वाला है, ये बाबू यहाँ तो देने यार वो मुंह छूनो थे, ये दी मैंने वैगन पुड़ पुड़ का बरी बरी सब काट दूँ दा बैर तो दिखा ना दिनों पर वही इन मुंह तो की फूनी हो दा दूर चला ना फिर सामान ये तो बढ़िया बने ये काका क्या सुंदर आज आल में देख है ना। ये वाह अभी बाजी नमस्ते, ठीक ठाक सब्जी कटन बह गया, चलो बढ़िया चल हम घूमना चाह भ्रमण अभी जाएंगे।
कक्षिन तो मन्ना स्वात्र नहीं पढ़ना हम बल वो भाई बुनो और हम भी छा मौसी भी छा हम पढ़ना पढ़ना चरणजी रहो ये हमारी बहुत पुरानी सहेली मिल गई आज स्वागत है ब्लॉग बनाना चाहेंगे हम बैठी का ये देखा खूब छे ये और देखा खूब छे अरे खूब छे ये हमारी बहुत पुरानी सहेली है हमारी भाभी हैं हाय गाइस भाभी जी प्रणाम रंजी रहो खुश रहो खूब बहनो तो गाइस आज मम्मी फिर सब्जी बना रही है फिर क्या आजकल मम्मी बना रही है तो आज मम्मी बना रही है गथोड़ी की सब्जी गथोड़ी आलू गैथो की गथोड़ी और ये रहे गथोड़ी ये मम्मी ने खुद से बनाए हैं अपने हाथ से बनाए मैंने ये और ये मम्मी ने सब्जी और कढ़ाई भी रख दी है आग जला दिया है कढ़ाई रख दी है अब मम्मी डालेगी तेल अब देखो कैसे सब्जी बना रही है मेरी मम्मी डाल दिया है मम्मी ने तेल अब इसको गरम होने देंगे पहले अच्छे से जब तक ये गरम नहीं होगा तब तक इसमें तड़का उड़का नहीं लगाएंगे अच्छे से गरम होने पर तड़का लगाएंगे तो गाइज तेल हो गया है गरम और मम्मी अब डाल रही है तड़का तड़का भी हमारे अपने घर का भी है और जीरा भी है और इसमें राई मेथी लैया और वो जख्या सब मिक्स कर रखा है तो इसका स्वाद अलग ही आता है मसालों का स्वाद तो ये घर का है जायका तो अब तेल गरम हो गया है अब ये अब हो गया आवाज़ अब करने लग गया है अब डालेगी मम्मी प्याज लहसुन प्याज और आज बनाएंगे गथोड़ी की सब्जी ये डाल दिया है मम्मी ने प्याज अब प्याज हो गए हैं ब्राउन तो अब मम्मी डाल रही है गैथो की गथोड़ी अब ये डाल दिया है गैथ की गथोड़ी लहसुन प्याज का तड़का और इसमें डाल दिया है गैथ की गथोड़ी इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे मतलब ब्राउन होने देंगे थोड़ा हल्का सा लाल लाल सा हो जाएगा कलर चेंज हो जाएगा इसका है ना तब धोएंगे आलू मम्मी ने खींच दिए खींच के कूट के खींच के भी और कूट के भी जो जैसे समझे जो जैसे समझ पाएगा और क्या खींच के देखो तुम ये अब आलू भी डाल दिए हैं तो बस ये आज खाएंगे हम गथोड़ी की सब्जी ये आलू और गथोड़ी मिक्स दूध वाले भी आ गए हैं करमोला ये देख लो दूध लेके आए हैं और अपने आप ही गाय का दूध लेके आए अपने आप ही करेंगे खाली भी देखो ऐसे हैं हमारे पड़ोसी इतने सुंदर पड़ोसी किसी के हैं तो गाइस ये क्या डाल मत इंचू धनिया पाउडर और जीरा का पाउडर काली मिर्च का पाउडर अच्छा तीन चीज का पाउडर है मिक्स अच्छा तब है मिर्च मिर्च पाउडर अब नमक नमक अब नमक तो आज जरूर से धूप में मिले आज सूंघनी जा ये आज मैं सूंघी नहीं मेरे अंदर आते ये है हल्दी करे जल्दी ये शहर भी सिखा जो ब्याज बालते हैं ये हो गई बंद ये हो गया मसालेदानी बंद मसालेदानी ना अब ऐसा है कैसा है आप बता कि ये हल्दी करे जल्दी और तेल करे ये छम और उन तो हिंदी में लून बोले मैं नहीं हूँ तो सब चीज कम कम अरे इन बोले लून नहीं तो
सभी चीज कम हल्दी करे जल्दी तेल करे छम लून बाद मीज नहीं छो सभी चीज कम कम तो मम्मी ने ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता भी बना के आप लोगों को सुना दी है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वाली कविता मम्मी की जरा बताइएगा। कविता बोलो या शायरी बोलो कुछ भी बोल सकते हैं। छोटा सा सब्जी के लिए सब्जी की शायरी हो गई है। तो गाइस ये सब्जी बनके तैयार हो गई है और ये खाने के लिए बैठ गए हैं सनोज भी और श्याम भी दोनों के दोनों। आप खा अब सब्जी जरा खा के बताना कैसे हो रही है वहाँ। नाक से खून भी आने लग गई है। दांत क्या बोलता। कैसे बनी है सब्जी जरा। बहुत अच्छी। नानी के हाथ की सब्जी। नानी के हाथ की सब्जी खा के कैसे लग रहा है। नानी तो वहाँ बैठी है।